السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المصدومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحميد الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صلوات على محمد وعلى آله आप चौथी मजलिस में शरीक हैं। परवरदिगार आलम ने हमें ये कुव्वत और ताकत और ये ज़र्फ़ इनायत फरमाया है कि हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। ये उसका ख़ास करम है और उसकी ख़ास इनायत है, इसलिए कि मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद ये अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। मैंने परसों की तकरीर में अर्ज़ किया कि मासूम से पूछा गया, अगर किसी को हिदायत नहीं मिलती और किसी को हिदायत मिल जाती है तो अल्लाह हिदायत देता है और अल्लाह ही हिदायत नहीं देता, कुरान में कहा गया है। तो मासूम ने यही जवाब दिया था, याद है आपको, परसों मैंने कहा था कि मासूम ने जवाब दिया कि जो अल्लाह से हिदायत मांगेगा उसे मिलेगी और जो नहीं मांगेगा उसे नहीं मिलेगी। तो हिदायत भी अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है। जो उस खजाने को मांगेगा उसे खजाना मिलेगा, जो नहीं मांगेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है, जो मांगेगा उसे मिल जाएगी, जो नहीं मांगेगा उसे नहीं। अली नहीं आई उनको मशवरा दो कि मांगो, उनको मशवरा दो कि वो अल्लाह से ये खजाना भी मांगे। और मोहब्बत का खजाना है ये, और अली की मोहब्बत जब आ जाती है तो अपने साथ बहुत सी चीजों को लेके आती है।
फिर इंसान के पास हिम्मत भी आ जाती है, हौसला भी आ जाता है, आज़म भी आ जाता है, बातें से टकराने की कुव्वत भी आ जाती है, सच बोलने की ताकत भी आ जाती है, और सबसे बढ़कर ये कि वो किसी मैदान से फरार भी नहीं होता। ये है अली की मोहब्बत का फैज, ये है मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत का फैज कि वो अपने साथ बहुत से खजाने लेके आती है। ये दुनिया के खजाने कोई बड़ी बात नहीं है कि हम दुनिया के खजाने भी मांगें कि अली की मोहब्बत के साथ हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अली की मोहब्बत आ गई तो खुद बहुत ये ख्याल दिल में आ जाता है कि जैसे अली ने तलाक दे दी हम भी तलाक दे दी। तो ये एक नूर है और अल्लाह कह रहा है कि हमने जिसके लिए नूर नहीं रखा उसके लिए नूर नहीं है। तो मैं आयत पढ़ रहा हूं, मन लम यजअल अल्लाह लहु नूरन फमा लहु मिन नूर। अल्लाह ने जिसके लिए नूर करार ही नहीं दिया उसके लिए नूर में से कोई हिस्सा नहीं है। तो जिनके पास अभी मोहब्बत अली का नूर नहीं है, समझ लो उनके लिए अल्लाह ने नूर करार नहीं दिया। वो अल्लाह से माफी मांगे कि हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मेरे अजीजों, अली और मोहम्मद मुस्तफा ने जब भी गुफ्तगू की तो बड़े तकमील और तफसील के साथ कर दी और तमाम असाबे किराम को मुखातिब करके की, और जितनी भी अहादीस मोहब्बत अली की और फजाइल अली की हमारे पास पहुंची हैं उसमें ज्यादातर बल्कि 80% रावी असहाब हैं। बहुत सी फजीलत की अहादीस जो हजरत अली से के मुतालिक हमारे पास है तो वो असाबे किराम से मरवी है, रिवायत असाबे किराम ने की है। जैसे कि एक सहाबी बहुत जलील उल कद्र सहाबी, बड़ी मशहूर हदीस उन्होंने महफूज कर दी, सहाबी ने हदीस महफूज की है, दोस्त ने भाई के लिए हदीस महफूज की है, रसूल के दोस्त ने रसूल के भाई के लिए हदीस महफूज कर दी, और रसूल अल्लाह के दोस्त हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं कि हम अपने दरमियान जब मुनाफिक को पहचानना चाहते थे तो जिक्र अली करते। जो है ना, तो कहा कि ये असहाबे किराम की रिवायतें हैं, असहाबे किराम की रिवायतें हैं, रसूल अल्लाह के असहाब ने ये रिवायतें महफूज करवाई हैं असहाबे किराम ने। ऐसे ही पैगंबर कह रहे थे कि कुल शहीन अहसना हो फी इमाम मुबीन, कुल शहीन अहसना हो फी इमाम मुबीन। जैसी पैगंबर ने आयत पढ़ी तो एक जलील उल कद्र सहाबी खड़े होकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन क्या तौरात है? पैगंबर ने कहा नहीं। दूसरे सहाबी खड़े होकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये इमाम मुबीन ज़ुहूर है? पैगंबर ने कहा नहीं। तीसरे सहाबी खड़े होकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये इमाम मुबीन इंजील है? पैगंबर ने कहा नहीं। तीनों बैठ गए। चौथे सहाबी खड़े होकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह क्या ये कुरान है? पैगंबर ने कहा कुरान किताब मुबीन है। जैसे ही चौथे सहाबी ने पूछा क्या ये इमाम मुबीन कुरान है? पैगंबर ने कहा नहीं। एक बार अली दाखिल हो रहे थे, पैगंबर ने कहा इमाम मुबीन ना तौरात है, ना ज़बूर है, ना इंजील है, ये है इमाम मुबीन, ये है हाजा इमाम मुबीन। तो अब ये किसने रिवायत लिखवाई? वो चार सहाबा जो खड़े होकर पूछ रहे थे उन्होंने रिवायत महफूज करवा दी, और जितने असहाब बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में सब ने ये मंजर देखा था और सब ने इस रिवायत को बाद में रिवायत किया और उनके जरिए से हम तक बात पहुंच गई, उनके जरिए से हम तक बात पहुंच गई। तो जितनी फजीलत अली की अहादीस हैं वो ज्यादातर रसूल के दोस्तों ने सुनाई। सच्चा दोस्त तो वही होता है ना जो भाई से भी मोहब्बत करे, बच्चों से भी मोहब्बत करे, बेटी से भी मोहब्बत करे। उन्होंने ऐसी-ऐसी अहादीस लिखवा दी और हम आज तक अपने बच्चों के सामने, अपने खुर्द के सामने और अपने दोस्तों के सामने बयान कर रहे हैं। तो ऐसे ही पैगंबर तशरीफ फरमा थे और हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आ गए। ये रिवायत भी मिश्कात शरीफ में लिखी हुई है जो पढ़ने जा रहा हूँ, बाबे मनाकिब अहले बैत में ये रिवायत लिखी हुई है कि हजरत रसूल खुदा तशरीफ फरमा थे और रसूल अल्लाह के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब आ गए और रसूल अल्लाह
ने देखा कि चचा के चेहरे पर गमजदगी है, थोड़ा गमजदा है, गम के असरात हैं चचा के चेहरे पर। कहा चचा आप गमजदा क्यों हैं, चेहरे पर इस महलात क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे एक शिकायत करने आया हूँ। कहा कीजिए शिकायत। अब रसूल अल्लाह और चचा तन्हा नहीं थे, मस्जिद भरी हुई थी दोस्तों से, रिसालत माँ के अहबाब, रिसालत माँ के दोस्त, रिसालत माँ के असहाब मस्जिद में बैठे थे और सब ने ये मंजर देखा और उन्हीं में से असहाब ने रवायत को महफूज करवा दिया और वहां से सियासत तक की एक अहम तरीन किताब मिश्कात शरीफ ने इस रवायत को अपने महफूज कर लिया और वहां से मैं आपको महफूज करवा रहा हूँ। तो कहा चचा क्या बात है, क्यों गमजदा है? कहा कि या रसूल अल्लाह जब हम इन कुरैश के दरमियान में देखता हूँ, जब ये कुरैश आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बड़े खुश होके मिलते हैं, बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, और जब ये कुरैश हम बनी हाशिम से मिलते हैं तो इनकी खुशी खत्म हो जाती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, ये खंदा पेशानी से हमसे नहीं मिलते। तो रसूल के चचा ने जब ये शिकायत की तो रसूल अल्लाह जमीन पर थे, एक बार मिंबर पर आ गए, मिश्कात शरीफ बाबे मनाकिबे अहले बैत सियासत्ता की हमदरीन किताब, रसूल अल्लाह मिंबर पे आ गए और मिंबर पे आके खुतबा दिया और खुतबे में इरशाद फरमाया कि जो तुम बनी हाशिम से अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत न करे उसके दिल में कभी ईमान दाखिल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप, ये रसूल अल्लाह ने बता दिया कि नूरे ईमान कहां दाखिल होगा, जहां अली दाखिल होगा। ये तो हमारा मौजू है ना हमारे ईमान, तो पैगंबर ने कह दिया कि जो तुम बनी हाशिम से अल्लाह और उसके रसूल के खातिर मोहब्बत ना करे, ये ना करे कि उनसे मोहब्बत ना करे, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मोहब्बत करो, किससे? बनी हाशिम से, ताकि अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। कल जो ऐसा नहीं करेगा उसके दिल में ईमान दाखिल नहीं होगा। अब यह हदीस महफूज कर लो, इतने नौजवान दोस्त इसको जहन में रखना। किसी ने पूछा मासूम से, ये बताइए कि शिर्क की तारीफ क्या है? ईमान दाखिल नहीं होगा, ये बात जहन में रखना, ठीक है? और क्या क्या कर ले, ये बात भी जहन में रखना। कहा के मौला ये इरशाद फरमाइए कि शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क आज आपको गली गली मोहल्ले में हर मदरसे में शिर्क की एक नई तारीफ दिखाई देती है। जहां आपने कहा जैसे कि मैं रोज कह रहा हूं कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को अपने नूरे अजमत से बंद किया, कोई कट हुज्जत और कट बहस मुल्ला होगा वो ये कहेगा ये शिर्क है, कह सकता है कि ये शिर्क है। तो अब हमें देखना है कि शिर्क की तारीफ क्या है। इजाजत है जितने बैठे हैं सबके साथ, शिर्क की तारीफ क्या है, शिर्क कहते किसको है? तो जो तारीफ वारिस इल्मे रसूल बताएगा वही तारीफ सबसे अहम होगी, सही तरीन तारीफ वही होगी, बस वही तारीफ सही होगी, उसके अलावा कुछ सही नहीं होगा। देखिए ना सीधी सी बात है, मैं अपने मोहतरम आलम इस्लाम के बुजुर्ग भाइयों से तरफ मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि एक तरफ रसूल हैं और एक तरफ कोई आम आदमी है जिसे आप भी पसंद करते हैं और जो आपको पसंद है, और रसूल तो खैर सबको ही पसंद है। तो अब अगर आप सवाल करें रसूल से और सवाल करें एक आम आदमी से, रसूल जवाब दे कुछ और आम आदमी जवाब दे कुछ और, तो किसका जवाब मानोगे? सलामत है, रसूल अल्लाह का जवाब माना जाएगा ना। तो जो तारीफ इल्मे रसूल करेगा वही तारीफ सबसे अहम होगी। अब इल्मे रसूल के मुकाबले में चाहे कोई कितना बड़ा ही मुल्ला या मौलवी क्यों ना आ जाए, आप उसकी नहीं मानेंगे। जो तारीफ शिर्क की रसूल करेंगे वो तारीफ मानी जाएगी, किसी मौलवी या मुल्ला की बनाई हुई तारीफ नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं अपने भोले भाले दोस्तों से कि मौलवी की बात में फौरन ना आ जाया करो, फौरन ना आ जाया करो, बल्कि गौर किया करो, फिक्र किया करो और देखो कि किसके मुकाबले में बात कही जा रही है, क्या इससे रसूल के कौल का टकराव तो नहीं हो रहा? बात पहुंच रही है, ये देखना जरूरी है। मैं अपने मोहतरम भाइयों से कहना चाहता हूं ये चीज जरूर देखा करें कि कहीं से आपका कोई मौलवी कोई मुल्ला किसी बात से आपको रोक रहा है तो भेड़ बकरियों की तरह ना बनो, इधर का इधर 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 होश होश किया इधर चलेगा, तो ये होश होश नहीं होना चाहिए, होश होश होना चाहिए। तो ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह
कर इधर उधर हकाया तो अब भी तकलीफ की और मौलवी की मानी और इधर उधर चले गए। तकलीफ तो है लेकिन अब भी तकलीफ नहीं है। गौर फिक्र जरूरी है, गौर फिक्र जरूरी है कि क्या ये बात सही कह रहा है या नहीं कह रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ अपनी तरफ से अपने जाति मकासद के लिए इधर उधर ले जा रहा है। ठीक है, तो अब एक तारीफ है कि जो रसूल बताए और एक तारीफ है कि जो आम इंसान बताए। तो रसूल की बताई हुई तारीफ मानी जाएगी और रसूल का इल्म जिनमें मुंतकिल हुआ है वो अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन के बाद मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बाद जाफर सादिक। और जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नमाज दुरूद पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद दुरूद पढ़ने का बड़ा सवाब है, ये बात याद रखिएगा। दुरूद पढ़ने से बड़ी सआदतें, असमतें और बड़ी दौलत मिलती है, बड़ी दौलत मिलती है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा वक्त आपका, दुरूद पढ़ने से बड़ी दौलत मिलती है। ये जो जनाब सालेह की कौम थी ना, बड़ी सरकश थी, बड़ी सरकश कौम थी। जनाब सालेह तबलीग करते गए, तबलीग करते गए, तबलीग करते गए, नहीं मानी। तो आखिर में जनाब सालेह ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तो जिन खुदाओं को तुम मानते हो तुम उन्हें ले आओ और मैं अपने खुदा को ले आता हूं और फिर देखते हैं किसका खुदा सच्चा है। गोया उस वक्त मुबाहला हो रहा था, उस वक्त मुबाहला हो रहा था। तुम जिन खुदा को मानते हो तुम उन्हें ले आओ और मैं अपने खुदा को लाता हूं। तो वो बुद्धों को मानते थे, बुद्धों को ले आए। और यहां सालेह का खुदा सालेह के साथ दिखाई नहीं दे रहा, जनाब सालेह का खुदा जनाब सालेह के साथ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वो जनाब सालेह ने कहा तुम अपने बुतों से बात करो, दिखाएं कोई मौजज़ा, दिखाएं कोई मौजज़ा दिखाएं। अब जितने कौम सालेह के कुफार थे वो अपने बुतों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, खुदा के लिए कुछ मौजज़ा दिखाओ, कुछ मौजज़ा दिखाओ, कुछ मौजज़ा दिखाओ, हम तुम्हें खुदा मानते हैं, तुम अपनी इज्जत रख लो, कुछ तो दिखाओ। वो बुद्ध न कल बोले न उस वक्त बोले। तो आदत तो अब तक पड़ी हुई है कि उससे लेंगे जो कुछ बोले नहीं, इसलिए कुरान काफी है कि कुरान कुछ बोलता तो है नहीं। सामित को नहीं, सामित को ले लेंगे, नाचक को नहीं लेंगे। तो वो नहीं बोले। जनाब सवाल ने कहा देखा कितनी देर तुमने मेहनत की, ये तो बोल ही नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा हमारा वाला नहीं बोल रहा, नहीं मौजा दिखा रहा, तुम अपने वाले से कहो मौजा दिखा। तो जनाब सवाल ने कहा तुम बताओ क्या मौजा चाहते हो क्या दिखाए, अब बताओ कि क्या मौजा चाहते हो क्या दिखाए। वो एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को वो बहुत मुतवर्रिक मानते थे, उस पर भी फूल चढ़ाते थे, उस पे भी रंग लगाते थे, उसको भी मुतवर्रिक मानते थे। कहा ये जो चट्टान है ये बीच में से शक हो जाए, टूट जाए और इसके अंदर से बहुत बड़ा ऊंट निकल आए, नाका ऊंटनी निकल आए, नाका ऊंटनी निकल आए। जनाब साले ने कहा लो देखो। जनाब साले ने दुआ की परवरदिगार ये तुझसे मौजज़ा तलब कर रहे हैं, चाहते तो खुद भी कर सकते थे, चाहते तो खुद भी दीवार शक कर देते, लेकिन चूंकि उसे मनवाने आए थे इसी तरह जब भी अली ने मौजज़ा दिखाया है फौरन सजदे में सर रखा है, अपने को नहीं उसे मनवाने आए हैं। या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मस्जूद, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, ये तुझसे मौजज़ा तलब कर रहे हैं, इस पत्थर को दो टुकड़े कर और इसमें से एक ऊंटनी बरामद करवा दे। एक बार लर्जा तारी हुआ उस चट्टान पे, बहुत बड़ी चट्टान हिलने लगी और इनके दिल हिलने लगे। और एक बार चट्टान में बीच में शिगाफ हुआ, वो शिगाफ पड़ना शुरू हुआ, आर की सूरत बन गया, उसमें से एक देव हैकल ऊंचनी, देख रहे हो मेरा हाथ, इससे भी ऊंची। अल्लाह अकबर, तो कहा गया अल्लाह की कुदरत की बात बता रहा हूं, कुदरत इससे भी ऊंची। इससे छत देख रहे हो, इसकी छत की डबल कर दो, इतनी बड़ी ऊंची इस छत की डबल, मेरे हाथ में वहां तक इशारा भी नहीं कर पा रहे, इसकी डबल इतनी ऊंची उठनी, तुम इतनी समझ लो, तसव्वुर में तो आ जाए, तुम समझ लो इतनी ऊंची उठनी कहीं देखी है, यहां तक की जो देखी
मुठनी यहाँ तक किलो हो गए ना, इधर तक की बस जिसमें कभी कोई खातून सवार होके आई थी, इतनी ऊंची जिसके ना माँ है ना बाप है फिर भी है, जो बगैर माँ और बाप के पैदा हो जाए, ये है अल्लाह। और पत्थर भी उनका वो मुतबर्रिक मान रहे थे, वहां से अल्लाह का मौजज़ा निकला, उनके बनाए हुए से अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया। इतनी देव है कल मूर्ति बरामद हुई, और जब वो देव है कल मूर्ति बरामद हो गई तो अभी भी इनका दिल नहीं भरा। जनाब सवाले ने कहा अब माना का मानेंगे तो तब कि अभी अभी इसका एक बच्चा पैदा हो वो भी इतना ही बड़ा हो, एक बच्चा हो वो भी इतना ही देव है कल। अल्लाह हू अकबर। और ये है अल्लाह जो अकबर है। खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं आप कैसे जिक्र है खुदा सुनते। वो है अल्लाह जो वाकई अकबर। जैसे ही कहा कि इतना ही बड़ा बच्चा इसके अभी अभी पैदा हो जाए, जनाब सवाले ने कहा परवरदिगार ये तुझसे मौजजा तलब कर रहे हैं। उसी वक्त उस ऊंटनी का एक बच्चा पैदा हुआ जो उसी के बराबर का था। और एक दिन ये ऊंटनी और उसका बच्चा पानी पिएगा, बात तय हो गई। एक दिन में वो बच्चा पूरा पानी पी जाता था और एक दिन में पूरी कौम पानी पीती थी। बाद में कौम तंग आ गई, तंग आ गई। अच्छा हुआ ये था कि जनाबे सालेह जो नबी अल्लाह थे, तो कहा गया कि भाई एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है इस कौम सवाले थे जो बड़ा ही बदबख्त होगा और जिसकी वजह से कौम सवाले पर बड़ा अजाब पहुंचेगा। कौम सवाले के लोगों ने कहा कि भाई हम बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे। तो उसके करीब करीब अरसे में 9 घरों में बच्चे पैदा हुए, उन्होंने 9 के 9 बच्चों को मार दिया। एक और घर में बच्चा पैदा हुआ, उसको मारने के लिए पहुंचे तो उसे माँ बाप ने कहा हमारे बरसा बरस से कोई औलाद नहीं हो रही थी, बहुत दिनों बाद बहुत सालों बाद हमारे बच्चा पैदा हुआ, अब नहीं मारने देंगे। जनाब साले को खबर गई, जनाब साले ने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह का अम्र है अगर होना है तो हो गया रहेगा और अगर नहीं होना है तो कुछ भी कर लो नहीं होगा। वो बच्चा बच गया। अब जो वो बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का और कद उसका पस्ता था, आंखें उसकी नीली नीलगू आंखें पस्ता था और गोरा रंग गोरा चिट्टा रंग, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, नीली आंखें वाली, नीली आंखें वाली। तो वो बच्चा परवान चढ़ता गया, परवान चढ़ता गया। उस बच्चे को जब परवान चढ़ा तो जब 20-25 साल का हो गया तो उसे ऐसी बात है जवान था तो उसे किसी से इश्क भी हो गया। इश्क हुआ तो उस लड़की ने कहा कि फला शख्स मेरा रतीब है उसे मारो, उसने उसे मार दी। ये लड़का बाद में नापैस साले को पैक करने वाला भी बना, लेकिन अभी मैं दूसरा वाक्य सुना रहा हूं। अब वो जिसको मारा वो दूसरे कबीले का था, उसके मुखालिफ कबीले ने इसको मारा। अब इन कबीले वालों ने इन पर दावा दायर कर दिया, उन्होंने कहा बहुत सारे लोग थे हमें क्या पता किसने मारा। जनाब साले तक बात गई, ठीक है, और कहा कि भाई ये पता लगाया जाए कि इसको किसने मारा। जरा जनाब सवाले ये बताइए इसको किसने मारा। तो जनाब सवाले ने अल्लाह से राबता किया, अल्लाह ने कहा कि गाय तलाश की जाए, उस गाय को काटा जाए, उस गाय का गोश्त फला मकाम का निकाला जाए और इस मैयत पे मस किया जाए, ये मैयत जिंदा हो जाएगी, खुद बता देगा इसे किसने मारा। जनाब मूसा से भी वाकया, जनाब सवाले से भी, परेशान ना हुआ करें।
लोगों ने कहा कि ये क्या बात हुई कि गाय काटी जाए, उसका गोश्त निकाला जाए, उसे मस किया जाए और मुर्दा जिंदा होगा। मुर्दे के गोश्त से मुर्दा कैसे जिंदा होगा? अजीब जुमला, मुर्दे के गोश्त से मुर्दा कैसे जिंदा होगा? तो नबी अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जो कहा है होना तो वही है, गाय तलाश करो ताकि ये मरहला हल हो जाए। कहा भाई ये बताइए कि वो गाय किस रंग की होनी चाहिए? अब रंग बताया गया, कितनी फरबा होनी चाहिए ये बताया गया, उसकी मजीद निशानियां क्या हैं ये बताया गया। बार बार पूछते गए, बार बार पूछते गए, बताते गए, बताते गए, बताते गए। अब ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, ढूंढ रहे हैं, वो गाय मिल के नहीं दे रही। बहुत तलाश विस्यार के बाद एक नौजवान के पास वैसी ही गाय दिखाई दी जैसे अल्लाह ने कहा था, बिल्कुल वही जो अल्लाह ने कहा था। रंग भी वैसा, दुम भी वैसी, माता भी वैसा, आंखें भी वैसी, और उसका शिकम भी वैसा, उसकी खाल भी वैसी, और उतनी ही फरमा बिल्कुल जैसे अल्लाह ने कहा था, वही निशानी। एक नौजवान के पास गाय थी, उसके पास पहुंचे, कहा ये गाय हमें दे दो, हमें ये गाय जरूरी चाहिए इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। नौजवान ने कहा गाय बड़ी महंगी है, कीमत बताओ। कीमत ये है, गाय नहीं जो मैं कहूंगा, वो कीमत बढ़ाता गया, ये भी बढ़ाते गए। आखिरकार जब अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आया तो 50 लाख दीनार में वो गाय बिकी, 50 लाख दीनार। और कैसे? उस नौजवान ने कहा कीमत यह होगी कि गाय जिबा करोगे, इसकी खाल में जितने दीनार आ जाए तो उसकी खाल में 50 लाख दीनार आए। और वो नौजवान बड़ा मालो मथा वाला हो गया, बड़ा अमीर हो गया। अब हो गया, गाय का किस्सा भी हो गया, मुर्दा जिंदा भी हो गया, और उस किस्से को करो बरतरफ। मासूम से पूछा कि उस नौजवान की किस्मत का सितारा जागा कैसा? वो जो गरीब नौजवान था जिसकी एक गाय ही कुल कायनात थी, उसको यकायक 50 लाख दीनार कैसे मिल गए? कहा गाय पाल रहा था, आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहा था। आप समझे दुरूद का कितना फायदा है? तो जब भी कोई कहे दुरूद पढ़ो तो फरदाबाद से पढ़ा करो, ना मालूम कब 50 लाख के मालिक बन जाओ। अब तो पढ़ दो बड़ा आवाज से दुरूद। जो फरमाई आप, इसलिए मैंने सहमत दी थी भाई। तो अब मासूम से किसी ने पूछा, मेरे छठे इमाम इमाम है जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कि शिर्क की क्या तारीफ है? मासूम से पूछा शिर्क की क्या तारीफ है, तो मैंने क्या कहा, जो बारिश इल्मे रसूल तारीफ बताएगा वही सबसे बेहतरीन तारीफ होगी, सबसे सही तारीफ वही होगी। तो मासूम ने कहा पहली तारीफ बताई जो आम इंसानों के लिए अमूमी तारीफ है और उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। कहा शिर्क क्या है? कहा शिर्क यह है कि मन काला ले हसबा नबातुन वले नबाता हसबुन। शिर्क क्या है? कहा शिर्क यह है कि जो मोती को लकड़ी कहे और लकड़ी को मोती कहे, ये शिर्क है। जो पत्थर को लकड़ी कहे और लकड़ी को पत्थर कहे, ये शिर्क है। आप समझेंगे इसे, मासूम ने कह दिया इसमें बहुत से पैगाम छुपे थे। जो मोती को लकड़ी कहे, लकड़ी को मोती कहे, ये शिर्क कर रहा है। यानी जो आलिम को जाहिल कहे, जाहिल को आलिम कहे, अफजल को मफजूल कहे, मफजूल को अफजल कहे, और आलिम के होते हुए किसी जाहिल को कहीं बिठा दे, ये शिर्क है। जो है बैठने का तरीका भी सीखा करो, इस तरह बैठो और सही से बैठो।
आगे बढ़ाई जाए बात। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह सूरह यूसुफ इल्ला वहुम मुशरिकून। तर्जुमा करूं, अजीब दिल दहला देने वाला तर्जुमा है, और हमारे बड़े भाई खुसूसियत के साथ तर्जुमे को जरा दिल पकड़ के सुने। वमा युमिनु अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। तर्जुमा कर दूं, इजाजत है? कहा बहुत से ऐसे हैं कि जो अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं फिर भी मुशरिक हैं। को हुक्म दिया है कि हमारी मारिफत हासिल करो।
आगे वाले तो मेरे साथ है, पीछे वाले मेरे साथ है। अब शिर्क की खुसूसी तारीफ हो रही है कि शिर्क किस कहते हैं, किसको है। हमारा नासा बीमारी बदला इंसानों को हुक्म दिया गया है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ मोमिनों का नहीं, इंसानों को हुक्म दिया गया है। हमारा नासा बीमारी बदला इंसानों को हुक्म दिया गया है कि हमें पहचानो, हमारी मारे पर का हुक्म दिया गया है। वरुद्दू इलैना, और कहा गया है कि जब भी तुम में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो, अपने इख्तलाफ को हमारी तरफ रद्द करो, हमारी तरफ दर्द करो, हमारी तरफ भेज दो। वह तस्लीम बोला ना, और कहा गया है कि हमारे सामने सरे तस्लीम खम रखो, गर्दनें झुकाए रखना, लगातार हमारे सामने कहीं अकड़ के ना आ जाना। अब जहां जहां जो जो अकड़ के आया है जहन में ले आओ। इंसानों को हुक्म दिया गया है कि हमारी मारिफत हासिल करो और अपने तमाम इख्तलाफात को हमसे पूछो और हम जो कह दे उसको मानो, उस फैसले को मानो जो हम कह दे, तस्लीम हो ना उस फैसले को मानो। अब है जुमला अंसामु व सल्लु व शाहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह युरद्दु इलैना। हां, चाहे तुम कितनी ही नमाजें पढ़ लें, चाहे कितने ही रोजे रख लें, चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह ही क्यों ना कह लें, लेकिन अगर वो ये तय कर लें कि अपने झगड़ों को हमारी तरफ रुजू नहीं करेंगे तो यही सबसे बड़ा शेर है। रहना जुमला आप उसके हो गए साथ साथ है ना मेरे साथ। कानू बिजाले का मुशरिकी, जो लोग रोजे रखे, नमाज पढ़े, गवाही दे के ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वो अपने नफ्स पर ये बात तय कर ले कि अपने झगड़ों में हमें फैसला कौन ना बनाए, अपने झगड़ों में हमें काजी ना बनाए, अपने झगड़ों में हमें मुंसिफ ना बनाए, अपने झगड़ों में हमें हकम ना बनाए, तो ऐसा शख्स मुशरिक है। मासूम ने कहा यह है शेख, जब भी तुम्हारे दरमियान किसी बात में इख्तलाफ हो जाए हमसे रुजू करो, हमारी तरफ वो इख्तलाफ रद्द कर दो यानी भेज दो। अब अगर आज नमाजों में इख्तलाफ है, आज नमाजों में इख्तलाफ है कि ऐसे पढ़ी जाए कि ऐसे पढ़ी जाए, रोजा पहले खोला जाए कि बाद में खोला जाए, इख्तलाफ है या नहीं, तो कहा रुजू करो ना, रुजू करो ना। यानी इल्म में आले मोहम्मद आज तक है। अल्लाह अकबर, आप चुप हो गए, मैं किसी और तरफ ले जाता हूं आपको। कुरान ने एक आयत रखी, कुरान की मशहूर आयत, बच्चे बच्चे को याद है, अल्लाह ने कहा फला व रब्बुका, अल्लाह कह रहा नहीं नहीं तुम्हारे रब की कसम नहीं। अब क्या नहीं, फला व रब्बुका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे हबीब, तुम्हारे रब की कसम ये कभी भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों को तुम्हारी तरफ भेज न दे। जब तक ये तुम्हें हकम ना बना ले, किसे, नबी को। चुप हो गया, अल्लाह कह रहा है कि ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने कजियों में तुमसे फैसला ना ले, जब तक तुम्हें हकम ना बनाए, जब तक तुम्हें काजी ना बनाए, जब तक तुम्हें जज ना बनाए, जब तक तुम्हें मुंसिफ ना बनाए, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते। मेरा ईमान ये कह रहा है कि यह आयत सच है, सच है, सच है, और कयामत तक के लिए सच है। अगर मोहम्मद से हट के किसी और को मुंसिफ बना लिया जाए तो ये शिर्क है। मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुना, मोहम्मद से हटकर किसी और को काजी बना लिया जाए तो ये शिर्क है, और ये ईमान की कमी है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिलों में नूर ईमान अब तक बैठा नहीं है। पलट के कोई कह सकता है कि ये कैसे कह रहे हैं आप, मोहम्मद तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। अब जाते हैं हर साल मस्जिद नबवी में और गुंबद खिज्र में जाते हैं, नीचे कब्र बनी है, उस कब्र के नीचे तो मोहम्मद सो रहे हैं, कैसे मोहम्मद को अपना हकम बनाए। कह सकता है
कि मोहम्मद तो निगाहों से पोशीदा हो गए और किसी की निगाह में मोहम्मद तो मर गए और जो मर जाता है वो किसी को फायदा नहीं देता ना हो जो मिलता। तो अब कोई कह रहा है कि मोहम्मद चले गए, कोई कह रहा है विशाल की मंदिर पर है, कोई कह रहा है पोशीदा हो गए, कोई कह रहा है नजरों से ओझल हो गए, कोई कह रहा है मर चुका है, कोई कह रहा है कब्र के नीचे मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। तो वहां से आवाज आई तो कैसे हकम बनाए। मैं कहूंगा कि अल्लाह को क्या ये बात मालूम नहीं थी? क्या अल्लाह को ये बात मालूम नहीं थी कि मोहम्मद 11 हिजरी को वापस आ जाएंगे? तो ये आयत क्यों रखी? फिर ये आयत कुरान में रखी क्यों? या उस वक्त तक जब तक मोहम्मद जिंदा थे तब तक आयत रहती, जब मोहम्मद चले गए तो आयत मंसूख हो जाती। क्या मोहम्मद नहीं है? अब किसी को भी चाहे तो जज बना लेना, अब किसी को भी चाहे तो काजी और कुज्जात बना लेना, अब किसी को भी चाहे तो हकम बना लेना। लेकिन आयत भी मौजूद, मोहम्मद भी नहीं, मोहम्मद भी नहीं और आयत भी मौजूद। तो आज आज कोई मौलवी अगर इतराज कर रहा है कि आप क्या बात करते हैं कि कैसे मोहम्मद को हकम बनाए, वो तो मुर्दा हो गए। तो मैं कहूंगा कि ये इतराज तुम्हारा हम पर नहीं, अल्लाह पर है, अल्लाह पर इतराज। क्या अल्लाह को यह मालूम नहीं था कि मोहम्मद कब्र के नीचे चले जाएंगे? फिर यह आयत क्यों रखी? इसका मतलब है, मैं एक बात पहले कहने चाहता हूं फिर उसके बाद फैसला दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे, हर वक्त फैसला कर सकते हैं। मुस्तफा चाहे जमीन के ऊपर जिंदा कैफियत में नजर आ रहे हो या काबर बन जाए, वो हर हालत में फैसला करने की सलाहियत रखते, हर हालत में फैसला करने का मनसब उन्हीं के पास। अगर तुम्हें इस अमल के मुजाहरे कहीं नजर नहीं आते तो आओ हमारे साथ, चाहे करबला चलो, चाहे नजफ चलो, चाहे काजमाइन चलो, चाहे सामर्रा चलो, वहां कितने ही फैसले कब्रे जैनुल आबिदीन पर हो रहे हैं, कब्रे अली पर हो रहे हैं, कब्रे अब्बास पर हो रहे हैं, कब्रे हुसैन पर हो रहे हैं। जाप देखो, इराक वालों को देखो, जब भी आपस में किसी में झगड़ा हो जाता है तो दोनों झगड़ने वाले हुसैन के पास आते हैं, बोला फैसला करवा दीजिए। यह है यकीन। इसीलिए मैंने मौजू ही रखा है अनवारे ईमान, कम अज कम ईमान का नूर तो शामिल होना, तब जाके यकीन की मंजिल आ जाती है। अरे वहां तो बहुत दूर की बात है, ये तो वहां कसीये हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं। ना अनीस गए करबला, ना दबीर गए, मीर अनीस और मिर्जा दबीर बहुत बड़े शायर, और दोनों को यह दावा कि हम मौला के मंजूर नजर शायर, और दोनों के चाहने वाले आपस में ग्रुप बनाए, वो कहते अनीस बड़ा शायर है, वो कहते दबीर बड़ा शायर है। एक बार हुआ कि चलो भाई फैसला करें कि कौन बड़ा शायर है, तो किसी शायर के पास नहीं गए कि आप फैसला करें, हुसैन के अदा खाने में आ गए। मैं हुसैन की कब्र की बात नहीं कर रहा, हुसैन के अदा खाने में जो हुसैन की कब्र की छवि बनी हुई है वहां आए और कहा माला करें कि कौन शायर बड़ा शायर, कौन आपकी बारगाह में कबूलियत रखता है। दोनों की पर्चियां डाली गई, नाम निकला दबीर का, मिर्जा दबीर, दबीर सैयद नहीं अनीस सैयद, दबीर सैयद नहीं अनीस सैयद, और नाम निकला गैर सैयद का, गैर सैयद का नाम निकला है। अनीस सो गए और सोते में अब्दुल्ला की ज़ियारत हुई और कहा मौला मैं आपकी औलाद, मैंने इतनी खिदमत की है, कोई मेरी खिदमत कबूल नहीं हुई। तो अनीस को गले से लगा कर कहा तुम अपने हो वो गैर था। तवज्जो, तो फैसला हुआ काबरे हुसैन की शमी पर। तो अगर यकीन है तो आज भी उम्मत मुस्लिमान जाके अपने फैसले काबरे रसूल से ले सकती है। तो
तमाम असहाब को मुखातिब करके एक हदीस लेकर गए और वो हदीस ये थी कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, बीच का भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद, कल के कल मोहम्मद। तो अब हर दौर के किसी मोहम्मद को तलाश करो। हमने हर दौर में कोई मोहम्मद जैसा रखा है उसे तलाश करो और दिल से पुकारो उसे। अल्लाह को पुकारते हो या नहीं? कि अल्लाह का कहीं घर बना के जाओ और वहां उससे मांगोगे? एक घर तो है, मंसूब है, लेकिन अल्लाह वहां रहता नहीं है। अल्लाह को पुकारते हो नहीं? या अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, या अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, या अल्लाह मुझे बेटे दे दे, या अल्लाह मुझे बेटियां दे दे, या अल्लाह मुझे घर दे दे। क्यों भाई? अल्लाह तो दिखाई नहीं दे रहा, क्यों मांग रहे हो? जो दिखाई नहीं दे रहा उससे मांग क्यों रहे हो? बड़े बच्चे बन जाते हैं भाई, अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा तो फिर या अल्लाह मदद कह क्यों रहे हो? दिखाई ना दे लेकिन वो है तो मोहम्मद भी दिखाई ना दे है तो आयत बता रही है कि आपको अपने फैसलों के लिए हकम बनाना चाहिए ने। तो अब जैसे दिल से अल्लाह को पुकारते हो वैसे दिल से मुस्तफा को पुकारा करो कि या रसूल अल्लाह उम्मत परेशान है, फैसला कर दे। तो यकीन करो जवाब आएगा। जैसे सैयदुल शुहदा अनीस के ख्वाब में आ गए, वैसे अगर दिल से पुकारे तो रसूल तुम्हारे ख्वाब में आ गए, फिर किसी चीफ जस्टिस की जरूरत ही नहीं है, फिर किसी चीफ जस्टिस की जरूरत ही नहीं, फिर किसी कचहरी की जरूरत ही नहीं, फिर गांव और देहातों में अपनी अदालत लगाने की जरूरत ही नहीं। कि हमारे गाँव का तरीका हम तो ऐसे ही करते हैं। अरे जो रसूल करें वो तरीका होना चाहिए, जो रसूल करे वही तरीका होना चाहिए। तो रसूल के लिए अल्लाह ने कह दिया कि उसको हकम बनाओ, और जो रसूल के फैसले को तस्लीम ना करे वो मुशरिक, वो मुशरिक। तो आज भी जो इस दौर का मोहम्मद है वो वैसे ही नजर नहीं आता जैसे अल्लाह नजर नहीं आता। अल्लाह ने अपनी गैबत अता फरमाई जैसे अल्लाह ने ईसा को अपनी खलाकियत अता फरमाई, जैसे ईसा को अल्लाह ने खालिक बना दिया, मुर्दों को जिंदा करने वाला बना दिया, बीमारों को शिफा देने वाला बना दिया, वैसे ही मोहम्मद के आखिरी बेटे को गैबत वाला बना दिया। कोई इसमें दुश्वारी नहीं बात समझने में। अल्लाह जिसको चाहे कोई भी सिफत अता कर देता है। आप उस साहिब गैबत को तलाश करोगे वो कहां मिले जहां हम उससे अपने फैसले ले लें। उस साहिब गैबत ने और उसके पिछले जितने अजदाद हैं सबने यही कहा कि हम खुशियों में नहीं जाते, अगर बुलाना चाहते हो मजलिस अज़ा का फर्श बिछाओ, अजरकुम अल्लाह। अगर हमें बुलाना चाहते हो वक्त इमाम को बुलाना चाहते हो तो फर्श अज़ाए हुसैन जहां बिछता है हम आ जाते हैं, इसलिए कि वहां अल्लाह का जिक्र होता है, मुस्तफा का जिक्र होता है, आले मोहम्मद का जिक्र होता है। तो आज भी मेरे वक्त इमाम ने यहां अपने आप को हमें यह शरफ बख्शा है कि तशरीफ लाए। मजलिस अज़ा का फर्श बिछ गया। खुशकिस्मत होते हैं बानियां ने मजलिस जिनके बिछाए हुए फर्श पर अर्श वाले आ जाते हैं और करबला का तस्करा सुनने आ जाए। अज़ाखाने सब के लिए खुले रहते हैं, इसलिए खुले रहते हैं कि न मालूम कब कौन हुर सिफत आ जाए, कौन हुर बनकर आ जाए। हर दौर में खुले रहते हैं अज़ाखाने, इसलिए कि सुबह आशूर हुई तो इसलिए इंतजार में थे हुसैन के, वहां मेरा एक सिपाही रह गया जो अभी नाम का हुर है, असल में गुलाम है, और जब मेरे पास आ जाएगा तो बिल्कुल सही मानों में हुर हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। और रात भर जागते रहे, बेटे ने कहा बाबा आप मुसलसल जाग रहे हैं, मैंने कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा, वजह क्या है? और ने बेटे का हाथ थामा, हुसैन के खेमों के करीब आके कहा बेटे आवाजें सुनो। हुर का बेटा तड़प के कहता है बाबा बच्चों की आवाजें आ रही हैं, आला तश आला तश आला तश। बाबा छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि चचा मुझे प्यास लगी है, बाबा मुझे प्यास लगी है, अम्मा मैं प्यासी हूं। रो के हुर ने कहा बेटे तुझे पता है हुसैन के बच्चों को इस नौबत तक लाने वाला मैं हूं। मैं बेटे मुझे नहीं पता था कि हुसैन पर यह वक्त आ जाएगा, मैं तो समझ रहा था कि बस ऐसे ही होगा और हुसैन को जाने देंगे, अगर मुझे मालूम होता
कि ये मंसूबा है तो मैं कभी भी फजलत रसूल को यहाँ घेर के न लाता, हुसैन को इस नौबत तक लाने वाला मैं हूँ। लिहाजा बेटे मैंने फैसला कर दिया है कि मैं अपने आका की खिदमत में जा रहा हूँ, मैं फौजे गजीर छोड़कर हुसैन इब्न अली के कदमों में जा रहा हूँ। बेटे ने कहा बाबा मैं भी जाऊँगा, भाई ने कहा भाई मैं भी जाऊँगा, गुलाम ने कहा आका मैं भी जाऊँगा। चलने लगे तो हुर ने कहा कि देखो मैं चाहता हूँ मेरे बेटे मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दो, इसलिए कि मैंने इन्हीं हाथों से लजाम फरस से हुसैन का हाथ डाला था, और मैं चाहता हूँ मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो इसलिए कि मैं मौला के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं रखता। हाथ बांध दिया गया, चेहरे पे पट्टी बांध दी गई और हुर को पकड़ते हुए लेके चले। हुर ने कहा जैसे ही मेरा आका सामने आए मेरे आका के करीब ले जाना, मुझे बता देना ताकि मैं उनके कदमों पे सर रख दूं। अभी जा रहे थे कि गुलाम ने आवाज दी अल्लाहु अकबर। हुर ने कहा क्यों कहा अल्लाहु अकबर? कहा इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि पहले हुसैन का गुलाम आ रहा है। आगे बढ़े हुर के भाई ने कहा अल्लाहु अकबर। और ने कहा क्यों कहा? इसलिए कि हुसैन का भाई अब्बास भी आ रहा है। आगे बढ़े हुर के बेटे अली इब्न हुर ने कहा अल्लाहु अकबर। और ने कहा क्यों कहा? इसलिए कि हुसैन का बेटा अली अकबर भी आ रहा है। आगे बढ़े तो तीनों ने कहा अल्लाहु अकबर। पूछा क्यों कह रहे हो? कहा कयामत ये हो गई कि फातिमा का लाल खून आ रहा है। अजरकुम अल्लाह फातिमा का बेटा खुद आ रहा है लेने। हुसैन भी हैं, अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं, जॉन भी हैं, सब लेने आ रहे हैं। एक बार जैसे ही सुना हुर खड़े कदमों से जमीन पर गिर गया और घिसटते हुए हुसैन के कदमों में पहुंचा, अपने दान को हुसैन के कदमों से चूमना शुरू किया और एक बार कहा मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है? आखिरी जुमले पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए। एक बार हुर के शानों को हुसैन ने थामा और थामने के बाद उठाया, उठाने के बाद गले से लगाया और कहा हुर जा, मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, और मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया। एक बार हुर के पूरे वजूद पर निगाह डाली तो देखा हुर के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। कहा अली अकबर ऐसे हाथों को बांधा नहीं जाता, हुर के हाथ खोल दो, हुर के हाथ खोल दो। मैं कहूंगा मौला आज हुर के हाथ बंधे हुए नहीं देख सके, अरे कल 11 मुहर्रम को सैना के हाथ बन जाएंगे, कल 11 मुहर्रम को सैना के हाथ बन जाएंगे। गर्दन झुकाओ जिन्हें रोना नहीं आता, गर्दन झुकाओ जिन्हें रोना नहीं आता, रोना जानते मुझे देखे। एक बार हुर के हाथों को खोला गया, हाथों से पट्टी हटाई गई, तमाम असा हुर मुबारक हो, हुर मुबारक हो। ये शोर मुबारकबादी का ज़ैनब के कान तक पहुंच गया। ज़ैनब ने कहा फिस्सा देखकर आओ ये मुबारकबादी का शोर कैसा है। फिस्सा दौड़ कर आई, कहा शहजादी आपके भाई की मदद के लिए हुर आ गया, हुर आ गया। जैसे ही नाम है हुर सुना, अली की बेटी ने कहा फिस्सा हुर से कहना अली की बेटी सलाम कह रही है, हुर हमें माफ कर देना, तुम ऐसे वक्त में मेहमान बनकर आए जब हमारे खेमों में ना खाना है ना पानी है। जैसे ही हुर ने सुना एक बार मुंह पर तमाचे मार कर कहा या